करिए और बेल वाला आइकन दबाइए हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको, जब भी आप मोबाइल चार्जिंग करते हैं तो भूलकर ये गलतियां ना करें। कुछ 10 टिप्स आपको बताऊंगा जिससे फोन को अपने चार्ज करते वक्त बचे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं टेक्निकल भारत प्रोडक्शन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है, अपने फोन को आप हमेशा अपने ही चार्जर से चार्ज करें। स्मार्टफोन को हमेशा अपने चार्जर से चार्ज करें। कई बार चार्जर घर पर भूल जाने पर या खो जाने पर अपने किसी और स्मार्टफोन से चार्जर से अपने स्मार्टफोन को चार्ज किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असर आपके स्मार्टफोन की बैटरी पर पड़ सकता है। बैटरी खराब होने या उसमें आग लगने के मामले इसी वजह से सामने आते हैं। स्मार्टफोन को हमेशा उसी चार्जर के साथ चार्ज करना चाहिए जो उसके साथ मिला है। अगर ओरिजिनल चार्जर ना मिले तो ध्यान रहे, जो चार्जर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी आउटपुट वोल्टेज वी यानी वोल्टेज और करंट एम्पियर रेटिंग आपके फोन के साथ और चार्जर के साथ मैच करता हो। दोस्तों दूसरा स्टेप है, अपने फोन को सस्ते चार्जर से चार्ज करते वक्त बचें। सस्ते चार्जर इस्तेमाल करने से बचें। कभी भी किसी सस्ते चार्जर या फोन के लोकल चार्जर से स्मार्टफोन को चार्ज नहीं करना चाहिए। इससे ओवर चार्जिंग से बचने के लिए सेफ्टी का कोई सिस्टम नहीं होता है। ऐसे चार्जर बैटरी और फोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो तीसरा स्टेप है, अपने फोन को चार्ज करते वक्त आप बैक कवर निकाल दें। कोशिश करें कि स्मार्टफोन को चार्ज करते वक्त फोन का कवर केस हटा दें। ध्यान रहे कि चार्जिंग के समय बैटरी का थोड़ा सा गर्म होना संभाविक है, लेकिन फोन पर कवर लगा होगा तो ज्यादा गर्म हो सकता है। तो चौथा स्टेप है, हमेशा फास्ट चार्जिंग आपके मोबाइल के लिए ठीक नहीं है। स्मार्टफोन को चार्ज करते समय हमेशा फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल ना करें। ये स्मार्टफोन की बैटरी के लिए ठीक नहीं है। फास्ट चार्जिंग के समय फोन की बैटरी में ज्यादा वोल्टेज भेजी जाती है जिससे फोन का टेम्परेचर तुरंत बढ़ जाता है। अगर आपके स्मार्टफोन की सेटिंग में नॉर्मल चार्जिंग का ऑप्शन है तो उसी को चुनें। इसके अलावा आप किसी कंपनी के बनाए हुए रेगुलर चार्जर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पांचवा स्टेप है, रात भर मोबाइल को चार्ज ना करें। कई बार यूजर अपने स्मार्टफोन को रात भर चार्जिंग के लिए छोड़ देते हैं जो कि स्मार्टफोन की बैटरी को जल्द खत्म कर सकता है। कई स्मार्टफोन में ऑटो पावर कट ऑप्शन मौजूद होता है, यानी बैटरी चार्ज होने पर अपने आप बैटरी को लेना बंद कर देता है। स्मार्टफोन को ज्यादा चार्ज करना भी अच्छा नहीं है। सिक्स स्टेप है, थर्ड पार्टी ऐप मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज ना करें। स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए थर्ड पार्टी बैटरी ऐप का इस्तेमाल ना करें। ये ऐप लगातार बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं जिसका बैटरी पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही ये ऐप दूसरे ऐप को बंद कर देते हैं। दोस्तों आठवां स्टेप है, बार बार फोन चार्जिंग करने से बचें। स्मार्टफोन को बार बार चार्ज नहीं करना चाहिए। फोन की बैटरी जब तक 20% तक ना हो जाए तब तक फोन ना चार्ज करें। बिना मतलब और बार बार चार्ज करने के लिए बैटरी की ओवरऑल लाइफ कम हो जाती है। नौवां स्टेप है, ब्रांडेड पावर बैंक हमेशा यूज करें। स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि पावर बैंक ब्रांडेड कंपनी का हो। पावर बैंक में वोल्टेज में बदलाव ना होता हो, शॉर्ट सर्किट ना होता हो और ओवर करंट या ओवर चार्जिंग ना होता हो। जिस पावर बैंक में ये फीचर्स होंगे वह लंबा समय तक चलेगा और फोन को भी सेफ रखेगा। दोस्तों टेंथ स्टेप है और आखिरी स्टेप है, फोन को चार्जिंग के वक्त इस्तेमाल करने से बचें। फोन चार्जिंग के समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे इसलिए क्योंकि इस्तेमाल करने के दौरान स्मार्टफोन का तापमान बढ़ जाता है। इससे बैटरी के साथ साथ स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है। अपने स्मार्टफोन की बैटरी को कम से कम 80% तक चार्ज करें। स्मार्टफोन को इससे कम चार्ज करने से बचना चाहिए। साथ ही जरूरी नहीं कि आप 100% तक ही चार्ज कर लें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।
अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी टेक वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।